अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ ना बहुत सारे हीरो लिंक शेयर करी हुई हैं, जो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है उस प्लेलिस्ट का, तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ हीरो लिंक के वीडियोस होंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारे वीडियोज़ एक के बाद एक अपने आप प्ले होते जाएंगे, बस आपको देखना है और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आज का वीडियो होने वाला है एक DIY, यानी कि घर पर बना हुआ शुद्ध शाकाहारी मज़ेदार ऑयल, वो बहुत ही ईजी है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस ऑयल को रेडी करने के लिए कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो या कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, भले वो आपको सूट करता है नहीं सूट करता है, यूज़ करते हो नहीं यूज़ करते हो, डजेंट मैटर, कोई भी ऑयल आप ले सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे तीन प्रकार के, यानी कि तीन अलग अलग प्रकार के ऑयल ले रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे ऐड करा है तिल का तेल, यानी कि सेसमे ऑयल। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड करा ये पैराशूट का एलोवेरा वाला, और मैंने सबसे हेयर ऑयलिंग शेयर कर रखी है। तो अगर आपको देखनी है इंडिविजुअल हेयर ऑयलिंग तो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद तीसरा लास्ट ऑयल मैंने, बेसिकली यहाँ पर तीन ही ऑयल डाले हैं, तीसरा मैंने यहाँ पे ऐड करा है बायोटिक का ब्रिंगराज ऑयल। बेसिकली मुझे कुछ टाइम के बाद ये फील हुआ कि वो सूट नहीं कराता है बेसिकली, तो कोई ऑयल आप नहीं यूज़ करते हो ना रेगुलर बेसिस पे, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो उस ऑयल को। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप मुझे पूछ लेना। तिल का तेल मैंने इसमें इसलिए ऐड करा क्योंकि वो मुझे बहुत सूट करता है, और ये जो दोनों ऑयल है ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐड करा है। और तिल का तेल हेयर लॉस को रोकता है। लेट्स चेक द मेन इंग्रेडिएंट्स। तो पहला इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ वो है नीम पाउडर। नीम पाउडर आपके बालों को सिल्की स्मूथ करेगा, बालों को हेल्दी करेगा, इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा। उसके बाद मैं इसे ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी आपके बालों को स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूमिनस, थिक, लॉन्ग बनाएगा। इन्फेक्शंस कोई भी है, रैशेज वगैरह, सबको ट्रीट करता है हल्दी पाउडर। तो ये मैजिकल इंग्रेडिएंट है, स्किन के लिए तो इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं, लेकिन बालों के लिए भी आज आपने इस्तेमाल देख ही लिया है। आप चाहो तो हल्दी को पाउडर में ला के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ऑयल इतना हर्बल था, नेचुरल था, मुझे इसमें ऐड करना था। तो आपने जितने भी ऑयल्स डाले होंगे ना, भले आपको सूट करते हो नहीं करते हो, लेकिन इन इंग्रीडियंट्स की वजह से ना वो अपने आप मैजिकल बन जाएगा। सो आफ्टर मिक्सिंग द इंग्रीडियंट्स हमें क्या करना है, अब हम ऑयल को हीटअप करने वाले हैं। तो हीटअप हमें इसलिए करना है ताकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें ऐड करी हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और जिस प्रोसेस से मैं आपको दिखा रही हूँ उस प्रोसेस से करेगा, और लो फ्लेम पर करेगा ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स बर्स्ट ना हो, ख़त्म ना हो। और एक और बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग कि गैस का जो फ्लेम है, जो टेम्परेचर है, वो ज़्यादा हाई लेवल पर हीटअप ना हो, क्योंकि जब आप इसको गर्म करोगे ऐसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस से, तो वो ऑटोमेटिकली सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे, तो कम हीट भी चलेगी। हमारा ऑयल बन गया है बेसिकली। नाउ लेट्स चेक एंड सी दैट वी कैसा बनाए। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। आप देख सकते हो ऑयल का कलर कितना बेहतरीन आया, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आई थी। तो इसका टेक्सचर आप देख ही सकते हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मार्केट वाला ऑयल आप घर पे मतलब लेके आए हो। मतलब सीरियसली आप नहीं कह सकते दैट आपने घर पे बनाया है। प्लीज़ लेट मी नो, बताइए अगर आप लोग बनाते हैं तो। एंड मैं बहुत जल्दी आपके संग शेयर करूँगी इससे रिलेटेड हेयर ऑयलिंग वीडियो। मतलब मैं इस ऑयल को यूज़ करके करने वाली हूँ अगले वीडियो में हेयर ऑयलिंग प्लस कॉम्बिंग प्लस हेयर स्टाइल। तो अगले वीडियो को वेट करिएगा मेरा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ 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 लेट मी नो। एंड अब इसको स्टोर करने वाले हैं, तो लेट मी शो यू द बॉटल। जब ऑयल का मिक्सचर ठंडा हो जाए उसके बाद आपको कांच की बॉटल में इसको स्टोर करना है, अदरवाइज रिएक्ट कर जाएगा।